नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी कहते हैं। 2021 में देव उठनी एकादशी 14 नवंबर दिन रविवार के दिन मनाया जाता है। इस दिन चतुर्मास विश्राम के बाद भगवान विष्णु जागते हैं, इसीलिए इसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। विश्राम के पश्चात विष्णु भगवान जागते हैं और तुलसी के साथ उनका विवाह कराया जाता है। इसके बाद से सारे मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन जो शालिग्राम पर तुलसी के पत्तों को चढ़ाता है, उसे 10,000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने से हमें सारे पापों से मुक्ति मिलती है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है, इसीलिए इसे कई जगहों पर बड़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी के पौधों को अच्छी तरह से सजाएं, रंगोली बनाएं, तुलसी जी को स्नान कराएं, घी का दीपक जलाएं, उनको सिंदूर चंदन नया वस्त्र पहनाएं। उसके बाद वहीं पर शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराएं, उनको चंदन चढ़ाएं, तुलसी के पत्ते और मंजरी को चढ़ाएं। ऐसा करने से बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होगी और भगवान विष्णु के मंत्रों का भी जाप करें। ये मंत्र बहुत ही आसान है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये करीब करीब हमको पता है कि ये मंत्र सबको पता होगा, सबको याद होगा, इसके बावजूद भी हम इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। जिसे नहीं पता होगा वो इसको पढ़ सकते हैं और एकादशी के दिन इस मंत्रों का जाप कर सकते हैं। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप कमेंट में भी लिखिए, जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।